नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, परंतु जो है कि इसके अंदर जो कैंसिलेशन है, कि मांगलिक दोष अगर है आपके चार्ट के अंदर, कि जो आजकल आधा ध्यान जो रखने वाले ज्योतिष हैं, ज्योतिष आचार्य बने हुए हैं, तो उनका क्या है कि मतलब कि जैसे उन्होंने देखा कि आपके जो है कि 12वें भाव में लगन के अंदर चौथे भाव में फोर्थ हाउस या सेवन्थ हाउस सातवां भाव या एट्थ हाउस आठवें भाव के अंदर अगर आपके जो है कि मंगल है, तो सीधे तौर पर बोल देते हैं कि आपके जो कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है और जो है कि इसका उपाय कराना पड़ेगा, या मतलब कि मतलब काफ़ी कष्ट होंगे आपको, या जो भी मतलब कि ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आपके मन के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और मांगलिक दोष का डर बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी के अंदर या जो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पहुँच जाए, जबकि सच्चाई ये है कि मंगल अकेले कहीं पर भी मांगलिक दोष मतलब कि जो तो कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ जो पाप ग्रह है, पाप ग्रह मीन्स जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, और जो है कि सेपरेटिव जो मतलब हमारा क्रूर ग्रह बोलते हैं जिसको हम कि सूर्य, तो सूर्य है वो सब जो है कि कहीं पर भी बैठते हैं या किसी भाव के अंदर बैठते हैं, एक से ज़्यादा ग्रहों का अगर वहाँ प्रभाव हो जाता है या अकेले भी बैठे हों, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ उस भाव के जो है कि कार तत्व जो होते हैं उनके अंदर वो करते ही करते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ मंगल के लिए हम ये बोल दें कि भाई मांगलिक दोष है, कि कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि अगर मंगल आपका सप्तम भाव के अंदर है तो जो कि जीवन साथी की जो मृत्यु हो जाएगी, या अष्टम भाव के अंदर है तो मृत्यु हो जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि भाई मृत्यु नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये नहीं कि हर केस के अंदर वही चीज़ होती है कि जो कि भाई हर केस के अंदर अगर मंगल वहाँ बैठा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके कुछ तो कैंसिलेशन है, यानी कि वो जो मंगल दोष खत्म हो जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस जो मंगल है या शनि है जो राहु है, मतलब इनके ऊपर जो जो मतलब कि आप इसको मंगल दोष मांगलिक दोष जो हम बोलते हैं, मंगल दोष ना बोलकर एक तरीके से ना कलत्र दोष है। कलत्र हाउस हमारा जो शादी के भाव को बोलते हैं, सातवां भाव हमारे कलत्र भाव है, और उसके अंदर अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसको हम कलत्र दोष बोलते हैं, जो कि मतलब कि शनि से भी हो सकता है, राहु से भी हो सकता है, केतु से भी हो सकता है, अपना मंगल से भी हो सकता है और सूर्य से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी पाप ग्रह से वो मतलब कि दोष उत्पन्न हो सकता है शादी के अंदर। कई बार आपने देखा हो किसी के चार्ट में कि वो मंगलिक है और जो है कि उसकी शादी बहुत लंबी चल रही है और अच्छी भी चल रही है, और किसी किसी के चार्ट में जो कि वो मंगलिक नहीं होता और उसका जो साथी है वो भी मंगलिक नहीं होता, और जो है कि फिर भी जो है कि कोई ऐसी घटना घट जाती है कि भाई उन दोनों में से किसी एक का जो है कि मृत्यु हो जाती है या उनके आपस में बनती नहीं है और सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे कई केस आपको मिल जाएंगे समाज के अंदर कि मंगलिक की नॉन मंगलिक से ही बहुत बढ़िया चल रही होती है शादीशुदा जिंदगी, और कहीं कहीं पर जो दोनों मंगलिक होते हैं या दोनों मंगलिक नहीं होते हैं तब भी जो है कि ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहले तो आज हम मंगलिक दोष के ऊपर ही मंगल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और उसी पे जो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो आने वाले जो मेरे एपिसोड हैं तो वो जो है कि 10 या 12 एपिसोड जो है कि सिर्फ मैं इसी पे बनाऊंगा, जिससे कि आपका जो पूरा भ्रम जो है कि ये जो मांगलिक दोष है या कलत्र दोष है इसके ऊपर दूर हो जाए, और जो है किस तरीके से इसको मैच आप जो कुंडली मैचिंग करते हो तो किस तरीके से देखा जाए जिससे कि जो कम से कम नुकसान हो या नुकसान बिल्कुल ही ना हो दोनों को, जीवन साथियों को आपस में। तो उस तरीके से जो है कि जरूरी नहीं है कि मंगल ही करें, लेकिन आज हम मंगल पर चर्चा करेंगे। तो मंगल आप सभी को मालूम है कि 12वें घर में, पहले में, चौथे में, सातवें में और आठवें में, इस तरीके से मंगल दोष बनाता है। इसके अलावा जो हमारे साउथ के जो ज्योतिष आचार्य हैं वो जो है कि दूसरे भाव के अंदर भी जो है कि उसको मंगल दोष मानते हैं, जिसका कारण यह है कि अगर आपका मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है तो एक तो जो आपके पत्नी भाव से जो आपके पति भाव से दोनों के मतलब जाति का है या जातक है, उनके जो अपोजिट पार्टनर है उनसे अष्टम में होते हैं, यानी कि उनकी आयु स्थान के अंदर बैठे हुए होते हैं और आपकी आयु स्थान को ये देख रहा होता है मंगल यहाँ पर, तो इसलिए वो इसको भी मंगल दोष के अंदर, मांगलिक दोष जो होता है उसके अंदर काउंट करते हैं हमारे जो साउथ साइड के हैं। नॉर्थ के अंदर तकरीबन यही होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन होती हैं। और इसके अलावा अगर पांचवें भाव में मंगल बैठ जाए तो उसकी भी अष्टम पे दृष्टि होती है,
मान लीजिए कि मंगल यहां बैठ जाए तो यहां तक एक दो तीन चार मंगल जो है हमारे अष्टम भाव को देखता है, और अष्टम भाव जो है कि हमारी सारी साल जिंदगी के यौन सुख का है, तो वहां पर भी होता तो उस चीज के अंदर गड़बड़ आने शुरू हो जाती है। तो उस प्रकार से जो है कि मंगल को शास्त्रों में बोला गया है कि जो कि भाई यहां यहां पर अगर मंगल है तो आपका दिक्कत होगा। अब जो है इसकी जो कैंसिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो कि भाई मंगल जो है कहां कहां पर होगा, क्या कैसे कैसे कंडीशंस के अंदर जो कि मंगल दोष खत्म हो जाता है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं जिससे कि वो चीजें साफ हो जाएं। इस एपिसोड का मकसद यही है कि आप लोगों को जो जनता है, जो मेरे दर्शक हैं, उनको जो है कि ये मालूम चल जाए कि अगर उनकी कुंडली में मंगल बैठा है उसके अलावा कोई मंगल कौन सी राशि के अंदर बैठा है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि आपके यहाँ पर कहीं पर भी आपके मंगल बैठेगा जो मैंने बताए थे तो मंगल दोष तो है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो मतलब कि किस भाव के अंदर कौन सी राशियों के अंदर बैठा है जिसकी वजह से कि वो मंगल दोष जो है खत्म हो जाता है अपने आप ही, तो उसके लिए मैंने जो है कि छह जो हमारे जो सूत्र हैं ये जो क्लासेस के अंदर हैं, और जो हमारे ज्योतिष आचार्य मेरे से पहले बहुत ही महान महान ज्योतिष आचार्य इस देश ने दिए हैं, वी वी रमन, के एन राव साहब से लेके और के एन सक्सेना जी हैं, और काफी हैं, के सी सक्सेना जी, उसके अलावा जो वी पी गोयल जी हैं, बहुत सारे जो है कि हमारे ज्योतिष आचार्य हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने रिसर्च किया है इन चीजों पे, सत्यधर अय्यर जी हैं, तो मतलब उन काफी लोग हैं, मैं नाम गिनाऊंगा तो अगर काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी जो कि बहुत महान महान जो है कि एस्ट्रोलॉजर हमारे देश ने दिए हैं। तो उसकी जो चर्चा कर लेते हैं हम, पहले अगर मंगल चौथे या सातवें घर में, यानी कि चौथा घर या सातवां घर, अगर इन दोनों भावों के अंदर अगर वो मेष का हो यानी कि एरिस का, वृषभ का हो यानी कि टॉरस, उसके अलावा जो है कि कैंसर यानी कि हमारा कर्क राशि, उसके अलावा जो है कि हमारा जो है कि लिब्रा जो कि हमारी तुला राशि है, स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिक राशि है, और कैप्रिकॉर्न जो कि हमारी मकर राशि बनती है। तो इसके अंदर कंडीशंस क्या होती है कि मान लीजिए कि आपका मंगल यहां पर है और आपका एक नंबर है, अगर यहां पर एक नंबर है और आपका मंगल है यहां पर, तो यहां पर चार नंबर आएगा, यानी कि जो है कि उसकी मित्र राशि है जिसको वो देख रहा है, और एक नंबर जो है खुद का है। जो बंदा जो कोई भी है, जो हमारे ग्रह हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो हमारी तरीके के काम करते हैं, जिस तरीके से इंसान काम करता है उसी तरीके से हमारे ग्रह वो काम करते हैं। जैसे कि हम हैं, अगर हम किसी अपने घर के अंदर बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं तो हम अपने घर का पूरा ख्याल रखेंगे पहली बात, और जहां हम देख रहे हैं या हमारी नजर जहां पर है वहां पर अगर हमारे मित्र का घर है या हमारा बहुत ही परम मित्र है उनका घर पड़ता है तो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाने की बजाय उसको प्रोटेक्ट करेंगे पहली बात, और अगर वहां पर शत्रु राशि है और फिर उसके अंदर हमें कंडीशन ये भी देखनी पड़ेगी लग्नेश, अगर लग्नेश कौन सा है, अगर लग्न का स्वामी भी हमारा मंगल का मित्र है या मंगल कुंडली के अंदर योग कारक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी मंगल जो है कि उस जातक को नुकसान ना पहुंचाकर उसकी जो प्रोटेक्ट करेगा उसकी जो है कि कुंडली के जो कि अवगुण है उनको, तो इस प्रकार से देखना है। तो इसके यहां पर जो है कि मान लीजिए आपका एक नंबर यहां आता है, ठीक है, तो यहां पर चार नंबर आएगा, तो कंडीशन ये बनी कि अगर मंगल यहां पर बैठा हुआ है वहां से जो कि वो सातवां घर हमारी जो शादी जिंदगी का है तो वहां पर अगर वो नजर देखता है अपनी चौथी दृष्टि से तो जो उसके अंदर जो है कि वो अपनी मित्र राशि को देख रहा है और अपने स्वयं के घर में बैठा हुआ है, ना तो वो चौथे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि घर के अंदर अशांति, गुस्सा, लड़ाइयां जो घर के अंदर हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है कि शादी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर शांति भी बहुत जरूरी है शादी जिंदगी के लिए। तो यहां पर अगर मंगल अपनी स्वराशि का हो तो वहां पर जो कि एरिस उसकी स्वराशि है तो वहां से वो देख रहा है अपनी मित्र राशि को तो वहां पर वो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं देगा, तो वो मंगल जो है कि एक जो अगर वहां पर मेष राशि का है तो उसे कैंसिलेशन मान लेना चाहिए, वो मंगल दोष नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहां पर दो नंबर होता है तो यहां पर पांच नंबर आएगा। आप ये कह सकते हैं कि अब यहां पर तो वो शत्रु राशि के अंदर हो गया, वो बात आपकी ठीक है, तो वो चौथे घर के अंदर थोड़ी दिक्कतें देगा। चौथे घर के अंदर मान लीजिए कि जो है कि आपकी फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी या घर का वातावरण थोड़ा सा खराब हो गया, वहां पर जो है कि
जितनी कुंडली है जातक की, वो थोड़ा गुस्सा वगैरह करने लग जाए घर के अंदर, तो उसके होने से वहां का एनवायरमेंट जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला हो जाए, तो इस तरीके की वहां कंडीशन जो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो सातवें घर को नहीं बिगड़ने देगा, क्योंकि सातवां घर जो है कि उसके मित्र सूर्य का है और मंगल की दृष्टि सूर्य के घर पे होगी, तो जैसे मैंने बोला कि इंसानों की तरह ही ग्रह काम करते हैं, तो अपने मित्र राशि के ऊपर नजर होने के कारण जो है कि वो वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से जो है कि हमारा चार नंबर अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जो मंगल नीच का हो जाएगा और जब कि वो खुद लग्नेश हो जाएगा, और जो है कि जब लग्नेश नीच का है ठीक है वहां पर वो जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको अपने कंफर्ट लाइफ के लिए, चौथे घर के लिए जो है आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तो चौथे भाव के अंदर आपका लग्नेश नीच का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना कि आपका जो लग्नेश है वो नीच का होने से क्या है कि आपकी कंफर्ट लाइफ, जो कंफर्ट लाइफ आपका घर का जो सुकून है, लग्जरीज गाड़ियां हैं या आपका मकान है उसको बनाने के लिए, उसके लिए जो कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस तरीके के परिणाम जो है कि नीच का मंगल यहाँ पर चौथे घर के अंदर दिखाएगा, लेकिन वो लग्नेश होगा और लग्नेश हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है सदैव शुभ परिणाम देता है। ये क्लियर लिखा हुआ है कि लग्नेश चाहे वो अष्टम का स्वामी भी हो जाए, चाहे वो छठे भाव का स्वामी भी हो जाए, क्योंकि ये कंडीशन जो है कि हमारे जो है कि शुक्र की राशियों के अंदर और मंगल की राशि के अंदर आ जाता है। जब मंगल यहाँ पर एक नंबर होगा तो आठ नंबर यहाँ आएगा इस प्रकार से, और दो यहां पर होगा तो सात नंबर आ जाएगा आपका यहां पर। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो है कि हमारे जो अगर लग्नेश है तो वो जो है कि हमेशा सदा शुभ परिणाम ही देते हैं, खराब परिणाम नहीं देते। ये हमारे शास्त्रों में प्रासर ऋषि जी ने जो है भृत प्रासर होरा शास्त्र के अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद और जो ब्राह्मीर हुए या जो उनकी जो अपनी किताबें हैं या और बहुत सी जो क्लासिक्स हैं, आप फल दीपिका ले लीजिए, सर्वोच्च चिंतामणि ले लीजिए, मतलब सब में क्लियर है कि लग्नेश हमेशा सुख फल देगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो है कि मंगल नीच का होने के बावजूद भी वो लग्नेश है, पहली कंडीशन, और लग्नेश होने के कारण जो है कि वो सुख फल देगा। हाँ, नीच का अगर चौथे घर के अंदर है तो चौथे घर के अंदर थोड़ी सी परेशानियां देगा आपको, वहां थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नीच के घर होते हैं वो मेहनत कराने के बाद ही फल देते हैं, वहां ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है आप लोगों को। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे फल मिलेंगे। अब इसके बाद जो है कि आपका चार नंबर हो गया, तो उसके बाद आ गया आपका सात नंबर तुला राशि, तो यहां पर दस नंबर आएगा और जो भी यहां चार नंबर, चार नंबर चंद्र का हुआ और चंद्र जो है कि मंगल के मित्र हैं। पहली बात तो जो शरीर है जिस जातक का, जिसके अंदर की जो आपका चंद्र होना, चार पांच छह सात ठीक है, तो इसके हिसाब से और यहां पर जो है कि चार नंबर में जो है कि जो हमारी कर्क राशि है जिसको हम कैंसर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, यहां पर जो कि मंगल यानी कि मार्स जो है कि योग कारक ग्रह बन जाता है चार नंबर की राशि के अंदर। तो बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि जो कर्क राशि है, कर्क लगन हो जाए, जैसे कि यहां पर जो है कि कर्क लगन है या जो है कि सिंह लगन हो, उन दोनों लगनों के अंदर जो है कि जो मंगल जो है वो योग कारक हो जाता है और वो नुकसान नहीं पहुंचाता है भले ही वो नीच का हो। तो इस प्रकार से यहां पर जो है कि यहां पर भी वो अपनी शत्रु राशि के अंदर होगा, शुक्र के अंदर होगा, परंतु यहां पर भी वो जो है कि अपना घर के कंफर्ट के लिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत करा सकता है कि शत्रु राशि के अंदर है, परंतु जो है कि यहां पर उसकी दृष्टि जो है कि अपने उच्च भाव के ऊपर होगी। शनि का भाव है लेकिन मंगल जो है कि मकर राशि के अंदर जो है कि उच्च का हो जाता है और जो है कि कर्क राशि के लिए मंगल जो है पंचम और दसम भाव का स्वामी होकर योग कारक हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है कि योग कारक ग्रह के बारे में कि जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए तो वो योग कारक हो जाता है उस लगन के लिए, वहां वो श्रेष्ठ फल देता है। जातकों इस बात को जो है कि दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं, इस बात को गौर फरमाइएगा कि जो योग कारक ग्रह हो जाता है वो जो अच्छे ग्रहों से भी ज्यादा श्रेष्ठ फल देता है, यानी श्रेष्ठ में जो अच्छे से भी ज्यादा फल दे, तो उसको ये फिर मंगल अगर यहां पर होगा तो वो शादी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि इस कुंडली के लिए कर्क राशि के जो लगन है उनके लिए, उन जातकों के लिए, उन जातिकाओं के लिए मंगल जो है कि अपना श्रेष्ठ फल देगा तो वो वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से आपका चार नंबर हो गया। चार नंबर के बाद में आ जाइए कि अगर आपका जो है कि यहां पर जो है सात की जगह
सात था, यहां पर अगर आठ नंबर हो जाता है, आठ नंबर हो गया हमारा वृश्चिक राशि हो गई, तो वृश्चिक राशि हो गई तो यहां पर जो है कि अगर आठ नंबर आता है तो आपका लग्न सिंह हो जाएगा, और जो है कि एक नंबर राशि जो मंगल की है वह नवम भाव के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए मैंने कर्क लग्न के साथ बोला आपको, कर्क और सिंह लग्न इसके अंदर जो है कि मंगल योग कारक हो जाता है, कर्क के अंदर पंचम और दशम का स्वामी होता है, और जो है सिंह लग्न के लिए वो चौथे भाव का और नौवे भाव, नौ भाव हमारे किस्मत का भाव है वहां का स्वामी हो जाता है, और मंगल यहां बैठता तो पहले सौ राशि का हो जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा ही, इस लगन को वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि लगन उसके परम मित्र का है, और इस कुंडली मतलब पांच नंबर की जो कुंडली है इसके अंदर वो योग कारक श्रेष्ठ फल देगा इस जातक को भी। तो इसलिए यहां पर भी जो है कि आपका मंगल दोष खत्म होता है, मंगल दोष नहीं माना जाएगा, वो शुभ फल देगा। इसके अलावा जो है कि अगर दस नंबर यहां पर आ जाता है और यहां पर जो है कि आपका मंगल है तो यहां पर भी जो है कि आपका जो है कि मंगल उच्च का हो जाएगा, और जब मंगल उच्च का हो जाएगा जिस कुंडली के अंदर जो मंगल उच्च का होकर बैठा हुआ है और यहां अपने जो है कि सप्तम भाव का मालिक होके मंगल उच्च का हो गया तो आप हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रह अगर किसी भी भाव का स्वामी है अगर वो उच्च का हो जाता उस भाव के लिए वो श्रेष्ठ फल देता है, ये हमारे शास्त्रों में क्लियर है। जैसे कि हमारा लग्नेश अगर उच्च का हो जाए तो हमारा शरीर बहुत ही ताकतवर, स्वास्थ्य, दिमाग हमारा बहुत तेज चलता है, अगर हमारा पंचमेश उच्च का हो जाए तो हमारी बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है और हम पंचम भाव से जितने भी रिलेटेड कार्य तत्व है उसमें हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सप्तम भाव के स्वामी का उच्च का होना जो है कि अच्छे फल देता है। इस प्रकार से जो कि अगर मंगल जो है कि अपनी राशि का हो, अपनी मित्र राशि का हो, नीच का हो या उच्च का हो तो अपने श्रेष्ठ फल देता है, साथ ही साथ लगन के लिए योग कारक हो या लगन का मित्र हो जाए तो भी वो श्रेष्ठ फल देता है। ये हमारे जो पहले, इसी प्रकार से आप यहां पर भी आप लगा के देख सकते हैं कि अगर यहां पर एक नंबर के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है तो अपनी राशि के अंदर है, चार नंबर के अंदर बैठा हुआ है तो वो जो है कि नीच का है, तो वो चार नंबर जब यहां आएगा तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, आर पांच, चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो उसकी जो उच्च की राशि जो लगन के अंदर आ जाएगी, यानी उसके लिए जो है कि वो उच्च की राशि उसकी लगन के अंदर आ जाएगी, यहां वो सीधा देखेगा लगन की तरफ और अपना प्रभाव अच्छा डालेगा इस प्रकार से जो है। और एक बात इसको आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चार नंबर के अंदर आपका सातवें भाव में भी अगर मान लो मंगल बैठ जाता है तो जो ग्रह नीच का आएगा उसकी पावर तो कम है तो वो क्या बिगाड़ेगा, वहां पर देखना आपने ये है कि अगर मान लीजिए चार नंबर यहां पर आपका है और यहां पर जो है आपका मंगल बैठा हुआ है, चार नंबर लिखा हुआ है यहां पर और यहां मंगल बैठा हुआ है तो जो है कि चंद्रमा को आप देखेंगे, अगर चंद्रमा जो है अच्छे कंडीशन के हैं, मान लीजिए चंद्र यहां चार नंबर है, यहां मंगल है और चंद्रमा यहां आ जाता है दो नंबर के अंदर तो अपनी उच्च की राशि में हो जाता है, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो उच्च का हो जाएगा तो वो जो है कि नुकसान नहीं करने देगा, अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो मैंने अभी बताया यहां पर, इसको यहां पर भी अगर इसी ग्रहों जो इन्हीं जो साइंस के अंदर होगा अगर मंगल तो भी वो जो है कि मंगल दोष कैंसिल करेगा, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है मैंने यहां पर जो कि इसलिए मैंने चार्ट बनाया कि आप लोग नोट कर सकें कि जो है कि मंगल अगर चौथे या सातवें में जो है कि मेष का हो, वृषभ का हो, कर्क का हो, उसके अलावा जो है कि तुला का हो, वृश्चिक का हो और या मकर राशि का हो तो वो आपका मंगल दोष नहीं रखता है। अब दूसरी कंडीशन यह है कि मंगल अगर दूसरे घर में मिथुन और कन्या राशि का हो, अगर यहां पर मिथुन राशि आ जाए और मंगल यहां पर है, जो कि हमारे जो शास्त्रों में जो अपना साउथ साइड में जो मंगल को यहां पर जो है कि मांगलिक दोष मानते हैं तो उसके अंदर भी आप देखिएगा कि अगर यहां पर तीन नंबर आता, तीन चार पांच छह सात आठ मंगल की राशि यहां पर आ जाती है और यहां पर उनकी मित्र राशि होगी नौ नंबर, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर यहां पर मंगल तीन नंबर में है तो वो अपनी मित्र राशि पर दृष्टि डालेगा नौ नंबर पे, और वो धनु की राशि है, जुपिटर की राशि है
वो उसके मित्र हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपने मित्र राशि के ऊपर दृष्टि होगी तो मंगल जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पर छह नंबर आता है आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां फिर उसके जो है कि जुपिटर की राशि आ गई जो है कि जहां पर वो मंगल जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जो मित्र राशि पे अगर दृष्टि होगी मंगल की जहां पर वो बैठे हुए हैं या मित्र लगन होगा तो वहां पर वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से जो है कि ये कंडीशन होगी अगर दूसरे घर में आपका मंगल जो है कि मिथुन या जो है कि कन्या राशि के अंदर है, यानी कि जैमिनी और वीरगो मार्स अगर इनके अंदर जो है कि दूसरे भाव के अंदर सेकंड भाव के अंदर है तो भी जो है कि मंगल दोष आपको नहीं लगेगा, वो आपको फायदा ही कराएगा। अब इसके बाद कंडीशन आ जाती है एट हाउस, एट हाउस के अंदर 9 नंबर या 12 नंबर यानी कि धनु राशि या जो कि हमारा मीन राशि सजिटेरियस और पैसिस अगर ये है जुपिटर की राशियां हैं यहां पर 9 नंबर तो अगर मंगल जो है कि यहां पर बैठा हुआ है तो गौर फरमाइएगा 9, 10, 11, 12, 1 यहां पर मंगल की राशि यहां आएगी तो यहां मंगल जो विपरीत राजयोग बनाकर यहां पर बैठा हुआ है। और मैंने जो कि विपरीत राजयोग पे मेरे एक वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कि जो 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 में कहीं बैठे हो तो राजयोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि यहां पर और जो दूसरा घर होगा मंगल का वो स्वयं जो है कि सप्तम भाव होगा, तो इस प्रकार से जो है कि यहां पर मंगल बैठे अगर 9 नंबर में या 12 नंबर में यानी कि धनु और मीन राशि में तो भी कोई मंगल दोष से घबराने की जरूरत नहीं है, मंगल दोष का कोई भी अधिक नुकसान वाला फल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर यहां पर 12 नंबर अगर आप लिखते हो तो वो आपका जो है सिंह लगन बनता है, सिंह लगन के अंदर मैंने पहले ही बोला अगर यहां 12 होगा अगर इसमें मंगल है तो सिंह लगन के अंदर मंगल जो है कि योग कारक है, ये जो है कि मैं पहले ही बता चुका हूं जब मंगल का यहां पर जो है कि वृश्चिक राशि के अंदर मैंने जिक्र किया था। तो उसी प्रकार से जो है यहां पर जो है कि सिंह राशि जो सिंह लगन हो जाए या कर्क लगन हो जाए तो उनमें तो सीधी सीधी बात है कि मंगल कोई दिक्कत देगा ही नहीं, वो योग कारक है आपका। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपना लियो लगन, मैंने बता दिया मार्च इन लियो लगन इन सेवंथ हाउस, तो मार्च और लियो लगन के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि 4 में हो, 7 में हो, 8 में हो कहीं पर भी हो लियो लगन के लिए वो योग कारक है, यही काम जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद जो है कि अगर मार्च जो कि 12वें घर के अंदर अगर मिथुन राशि में हो कन्या राशि में हो और अपना जो है वृषभ राशि के अंदर हो या तुला राशि के अंदर हो तो भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि मंगल अगर यहां पर जो कि 2 नंबर राशि में हो तो लग्नेश खुद मंगल हो जाएगा क्योंकि मेष राशि आ जाएगी वहां पर लगन के अंदर। तो 1 नंबर के अंदर अगर हो, अगर मान लीजिए कि 2 नंबर के अंदर है तो यहां पर जो है कि मंगल की एक राशि 1 नंबर यहां आएगा, यहां पर मान लीजिए कि आपका वृषभ है और मंगल है तो एक तो मेष ये हो गया और एक वृषभ यहां आएगी, तो जो कि मंगल जो है कि यहां पर जो है कि 6ठे भाव का मालिक होके, जो भी मैंने बताया था पीछे विपरीत राजयोग, तो 6ठे भाव का मालिक 6ठे, 7 या 8वें या 12वें भाव का मालिक अगर इन्हीं घरों में बैठा हो 6, 8, 12 में तो विपरीत राजयोग बनाकर बैठता है, तो इस प्रकार से जो है कि मंगल यहां पर भी जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप 12वें भाव के अंदर भी जो मैंने अब ये राशियां यहां पर लिखी हुई है उनके अंदर जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाता है मंगल। अब यहां पर जो है कि आपने 1 नंबर ले लिया मेष राशि वृषभ राशि ले ली, अब बची 7, जब 12वें भाव के अंदर जो है कि 2 हो गया क्या कहते हैं अपना वृश्चिक बची और तुला राशि बची, अगर हमारा यहां पर 7 होता है तो 8 नंबर यहां आएगा, एक राशि हमने यहां आ गई और जो है एक हमारे यहां आएगी 4थे घर के अंदर मंगल की, तो जो है कि मंगल जो है कि यहां पर जो आएगी तो यहां पर 8 नंबर यहां आएगा। अगर जो है कि यहां पर जो है कि मंगल अगर तुला राशि का हो जाता है आपका तो वहां पर भी जो है कि वो लग्नेश हो जाएगा, और जब लग्नेश हो जाएगा तो लग्नेश मैंने पहले ही बताया आपको सदा शुभ फल देता है, तो इस प्रकार से जो वृश्चिक राशि है उसके लिए भी मंगल जो है कि शुभ फल देगा क्योंकि वो लग्नेश है। तो इस प्रकार से जो है कि वो तो तुला राशि है
उसके अंदर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पर जो है कि आपका वृश्चिक राशि आ जाती है या छह नंबर सॉरी विर्गो विर्गो राशि आती है, यहां पर बारहवें घर में जो है विर्गो राशि, विर्गो जो है कन्या राशि है, वो अगर आ जाती है तो भी उसके अंदर जो है कि आपका आठ नंबर यहां आएगा और एक नंबर यहां आएगा इसके अंदर। मंगल अगर कन्या राशि के अंदर हो तो इस प्रकार से कुंडली बनेगी। तो इसके अंदर जो है कि मंगल जो है यहां पर जो है कि मंगल जो है कि सातवें घर के अंदर अगर बैठा हो तो बाहरी दुनिया का बोला गया, और सातवें घर के अंदर बैठा हो मंगल अगर बारहवें में हो तो विदेश यात्राएं देता है, ये बोला गया है। सेपरेशन अगर होगा तो सेपरेशन क्या होगा, वो विदेश यात्रा या तो वो जो जातक है वो विदेश जाएगा काम धंधे के लिए, तो इस प्रकार से जो है कि वो वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसको काम धंधे के लिए हो सकता है घर से दूर रखे, सिर्फ इतना जो है वो होगा। और यहां पर मंगल जो है ना जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो वो राशि को बलवान कर देता है, ये एक शास्त्र का नियम है जो है कि आप सब जातक बहुत समझदार है, मेरे को मालूम है कि ये नियम आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं समझा देता हूं कि कोई भी ग्रह अपनी जो राशि को देखता है तो वो राशि बलवान हो जाती है, वो स्थान जो बलवान हो जाता है वो घर बहुत अच्छे चल देता है। कोई भी मान लीजिए कि ये लगने से सात और शुक्र यहां बैठ जाए तो शुक्र यहां पर देखेगा सातवीं दृष्टि से, तो वो जो है कि लगन को बलवान करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहां पर मंगल यहां बैठ जाए और मंगल यहां देख रहा है तो ये वाला घर बलवान हो जाएगा। इस पे गौर फरमाइएगा कि जो सा घर जहां पर है मंगल यहां बैठ के यहां की दिक्कतें दे सकता है आपको, तो यहां पर दो नंबर में होगा वो टोरस के अंदर, तो यहां की तो प्रॉब्लम आएगी लेकिन जो है कि अगर दूसरा घर है उसको बलवान कर देगा मंगल, यानी कि जो कि मंगल जो है कि जहां पर अपनी राशि को देखता है वो राशि दोनों राशियां उसकी बलवान हो जाती, खासकर वो राशि जिसको दृष्टि डाल रहा है उसी घर का मालिक होके तो बहुत ही अच्छे फल देता है। तो इस प्रकार मंगल यहां से जो कि अपने अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, यानी कि सप्तम भाव के जितने भी रिजल्ट हैं उनके अच्छे फल देगा, वो काम धंधे के लिए बाहर जाना, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए जाना या घूमने फिरने के लिए विदेश यात्रा, उन चीजों का जो का वो ज्यादा कार्य करेगा ना कि वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से अगर मंगल आपके जो है कि बारहवें घर के अंदर जो कि कन्या राशि के अंदर है तो वो भी आपको दिक्कत नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब बच गई जी मंगल अगर चार्ट के अंदर जो हमारे यहां मैंने घर बताए हैं, जैसे कि बारहवां घर है, पहला घर है, चौथा घर है, सातवां घर है, आठवां घर है, और जो कि हमारे साउथ के जो ज्योतिष आचार्य वो मानते हैं दूसरा घर है, यहां पर अगर मंगल मजबूत यानी कि स्ट्रोंग जुपिटर मून और मरकरी के अगर साथ है तो भी हमारा जो है कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो मंगल दोष जो है कि अगर चंद्रमा के साथ है तो मगस्य योग बना देता है, जुपिटर के साथ है तो जुपिटर जो कि हमारे देवगुरु हैं अपने मित्र के साथ हैं, और जहां पर गुरु साथ होंगे तो जो मंगल है वो इतना कुछ नहीं, अगर साथ हैं तो, अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है, लोग ये बोलते हैं कि अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है यानी गुरु जी की दृष्टि पड़ रही है अमृत बरसाती है तो मंगल पे अगर वो दृष्टि पड़ जाए तो वो जो कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड्स के अंदर कि जब जुपिटर कहीं अलग जगह से सप्तम भाव से बैठ के जहां पर मंगल होता है वहां सप्तम दृष्टि डाले तो वो मतलब कि मंगल को और मदद करता है। मदद करने का मतलब यह है कि वो मदद ये नहीं कि वो जानबूझ के मतलब, लेकिन वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता यानी रोकता नहीं है, मंगल जो करना चाहता है उसको अलाउ है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं वो संभाल लेंगे या मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से मैं उनको बताऊंगा आपको किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर, आगे जो है कि देखते रहिएगा मेरी वीडियो। इसलिए प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो इसके अलावा जो है कि आपको जो है कि स्ट्रॉन्ग मून सिर्फ चंद्रमा पे ये ध्यान देना, बाकी तो जुपिटर मरकरी स्ट्रॉन्ग अपने जो कि मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च की राशि के अंदर हो, तो इस प्रकार से जो है कि ग्रह उच्च के होते हैं। लेकिन चंद्रमा के अंदर एक कंडीशन और है कि सूर्य से वो तीन घर आगे या पीछे हो, क्योंकि अमावस के आसपास का जन्म ना हो तो वो जो
तीन घर मैंने बोले हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है तो चंद्रमा या तो यहाँ यहाँ से आगे हो, यहाँ भी हो तो चलेगा, या यहाँ हो, लेकिन इनसे आगे हो या पीछे हो, सूर्य से यहाँ पीछे हो तीन घर, एक दो तीन घर पीछे हो, या सूर्य से तीन घर आगे हो, तभी चंद्रमा बलवान होता है। उसके आसपास जो है कि चंद्रमा जो है कि अभी रिजल्ट खराब देता है, वो पाप ग्रह में गिनती हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको देखे ना कि चंद्रमा बलवान हो, जुपिटर बलवान हो, मरकरी बलवान हो, उनके साथ अगर मार्स इन घरों में बैठा है तो भी जो है कि आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा जो है कि मैं एक मैथमेटिक जो कुंडली मिलान का एक मेथड लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम शनि राहु केतु और सूर्य और मंगल को साथ दोनों कुंडलियों के अंदर जज करेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई उसके अंदर मंगल दोष कितना प्रभावी है या बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा, और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।